हेलो गाइस, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप इन स्पेस। बिकॉज अदर कंट्री का आप देखेंगे, लाइक यूएसए हो गया, स्पेस एक्स हो गया उसका, एंड द अदर कंट्री कंट्रीब्यूशन इन द प्राइवेट सेक्टर, देन इंडिया व्हाई इंडिया कैन बी नॉट कंफर्ट इन द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज द कंपटीशन ग्रोइंग एंड द रिवोल्यूशन एंड यूथ ऑल्सो जनरेशन आर न्यू टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी and the some contribution of the ISRO and the DRDO and others, your European Union can be also and the Russia can be also. Then announcement of the under the Atmanirbhar Bharat campaign के तहत हमने announcement किया था कि हम private sector के हम partnership अपने space technology में लाएंगे या India के science and technology के field में हम लाएंगे। The Indian National Space Protection and the Authorization Center of the अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए द प्लेइंग ऑफ द प्राइवेट प्लानिंग एंड द फ्रेंडली टू रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड द एम्पावरमेंट टू द प्राइवेट कंपटीशन इन द लॉन्च व्हीकल फ्लाइट एंड द इसरो आल्सो कॉल्ड द मोर एंड द रिजोल्यूशन आर डी एंड कंसर्न क्या है, सिक्योरिटी स्टेट ऑफ द कंसर्न, हाई रिस्क ऑफ द बिजनेस, ड्राफ्ट ऑफ द एक्टिव बिल इन 2017 में हमने ड्राफ्ट कर दिया था बिल कि हम प्राइवेट सेक्टर में, देन प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन आस्क्ड फर्स्ट योर एस्ट्रोसेट क्या है, द एस्टोनिया ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल विच ऑफ द स्टेटमेंट इज द अदर, यूएसए रशिया इज द ओनली कंट्री हैव बीन लॉन्च द सिमिलर ऑर्बिट इन द स्पेस, एस्टोनेट कैन बी लॉन्च व्हीकल ऑर्बिट इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या है, द अदर ओनली कह रहा है, यहाँ पे ओनली मेंशन कर दिया, रशिया इंडिया ओनली नहीं है, यूए भी है, देन द इतने तो इसका नन ऑफ दी, नाइदर वन नाइदर टू है। देन द रेफरेंस द इंडियन आईएस, ये आपका देखिए पूछा है यूपीएससी, आईएन सैटेलाइट इज द जियो सिंक्रोनस फोर्थ ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल्स एंड इंडिया इज द अबव द इतने बियॉन्ड द बॉर्डर, ये गलत है आपका, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ 55 दे दिया। इंडिया हैव बीन द ओन सैटेलाइट नेविगेशन इज द लॉन्च, ये 2019 में कहाँ है हमारा, हम ओन स्टेशन करेंगे 15, तो ये आपका गलत, तो आपके दो गलत हो गए, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। देन मूव ऑन अदर सेक्शन, योर लास्ट फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्टिव आर द रिमोटिंग सेंसन सैटेलाइट, तो एसेंस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन सही है, आप क्रॉप को देख सकते हैं, लोकेशन ऑफ द ग्राउंड रिसोर्स सही है, मिनरल एक्सपोजर को भी देख सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल रहती है आपके सारे सही हैं, इसमें ट्रैफिक स्टडी कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन तो आप सारे सही हैं। द फर्स्ट इज द मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इमेज टू रिमोटिंग सेंसर्स डाटा, चौनपोली कॉन्टेंट इज द बेस्ट स्पेल्ट इन द लोकेशन, बिकॉज योर यूक्रेन पार्ट या ईरान पार्ट चौमरली न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ग्रीन हाउस इमिशन फॉर द राइस पैडी एंड द स्पेशल लोकेशन सही है, लैंड सरफेस टेम्परेचर स्पेशल लोकेशन, लैंड सरफेस टेम्परेचर को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस स्पेशल लोकेशन, तो इसका मुझे आंसर तो नहीं पता पर मैं गलत आपको बताना भी नहीं चाहता। मंगलयान लॉन्च में आपका देखना है यूपीएससी मंगलयान, इसरो आज द मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये मार्स मंगलयान है, दिस इज द सेकेंड कंट्री हैव बीन स्पेशल इन द मार्स आफ्टर यूएसए, गलत है ये, इंडिया हैज द ओनली कंट्री टू सक्सेसफुल ऑफ द मैग्नेटिक स्पेस इन द मार्स एवरी फर्स्ट अटैम्प्ट में पहुँच तो गया था पर और कंट्री भी पहुँच गई, तो आपका ये गलत मार्स के लिए बना ये था, देन यूएसए आफ्टर, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर क्या सही है, पर अगर ये आपके दो गलत हो गए फर्स्ट अटैम्प्ट में कहा जाएगा, तो तीन अगर गलत तो सारे, तो इसका आंसर ए सही है। देन द रेफरेंस ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑर्डर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीएसएलवी लॉन्च द सैटेलाइट ऑफ द, इसके बारे में मैं बता रही क्या है इन तीनों के बारे में, तो क्या पीएसएलवी लॉन्च सैटेलाइट इज द अर्थ रिसोर्स ऑन द मॉनिटरिंग ऑफ द वेयर द जी एस एल बी आर द डिजाइन टू द लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये आपका सही है, द सैटेलाइट लॉन्च भी के पिसल बी अपीयर टू द प्रिंट द फिक्स्ड सेम ऑफ द स्काई इन द व्यू ऑफ द अर्थ लोकेशन, तो ये आपका गलत हो गया। मार्क थ्री द फाउंडेड लॉन्च व्हीकल इज द फर्स्ट थर्ड स्टेट यूजिंग द सॉलिड, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, देन द सेकेंड फोर्थ इज द लिक्विड, तो इसका आप भी लिक्विड, ये मार्क थ्री नहीं है, ये पोलर लॉन्च इसमें जी एस एल वी आ जाएगा, तो ये पी एस एल वी दे दिया, तो ये आपका गलत हो गया, देन ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर ओनली आपको फर्स्ट ऐसा ये पी एस एल वी आप पोलर लॉन्च व्हीकल आ जाएगा।
देन द गगनयान, गगनयान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी भी न्यूज़ में आप देखेंगे। गगनयान इज़ द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्रोजेक्ट इन द स्टेटस ऑफ द गगनयान द प्रेजेंस मिशन ऑफ द गगन स्पेस कैप्सूल ऑफ रिकवरी ऑफ द इन्वेंटमेंट एंड 2007 द क्रू मॉडल्स ऑफ द रिसेंट टू द GSLV मार्क 3 2004 द रीयूजेबल लॉन्च रीयूजेबल, जैसे हमने ये लॉन्च किया और हमारे रीयूजेबल जितने पार्ट हैं हम कुछ तो इनको रीयूज कर लें, जैसे स्पेस एक्स रीयूज करती है तो हम इसमें ये करेंगे। द रीयूज टेक्नोलॉजी द क्रू स्पेस फॉर द पार्ट हेल्प टू द फ्रांस एंड रशिया से हम हेल्प लेंगे, जिसमें फ्रांस अभी बायकॉट कर रहा है क्योंकि रशिया से यूक्रेन की वार से। देन थ्री पीपल मे बी ओनली ऑन द 7 days जियो अर्थ ऑर्बिट एंड द कोलाइड फेब्रुअरी देन सक्सेसफुल इंडिया इज द 4 countries बन जाएगा आफ्टर USSR इंडिया रशिया चाइना के बाद। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन द सेंटर दिस इज योर मित्रा, मित्रा योर रोबोट है जिसको हमें भेजना है गगनयान में। AI बेस्ड है इसरो गगनयान लॉन्च है। देन द रिपेयरमेंट फॉर द रिपोर्ट द इसरो प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन दिस इज द चैम्बरली। देन गगनयान टू, गगनयान टू के बारे में हम देख लेंगे। द ऑर्बिटर लैंड ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटर लैंडर क्या है विक्रम था एंड द रोवर योर प्रज्ञान था GSLV मार्क 3 से हम इसको लॉन्च किए थे। पेलोड आपके 14 थे जिसमें 7 तो इतने पार्ट में था। चंद्रयान 3 लॉन्च एंड द रोवर लॉन्चर साउथ पोल एंड द चंद्रयान 2 इज द डेडिकेशन फॉर द वाटर इन द पैग्मा फॉर द स्पेशल फॉर द रिच एंड द एक्स सिंगल साउथ पोल रीजन, साउथ पोल में हमें इसको भेजना है दिस इज साउथ पोल। एंड द रिमूव टू द शैडो जोन सच एज द लार्जर देन द नॉर्दर्न पोल एंड द एक्सपोजिव प्रेशर वाटर एंड फिशफुल हम वहाँ के फॉसिल फ्यूल एंड द वाटर है कि नहीं हम ये जानेंगे। स्टोपेसिफिक दिस इज योर चंद्र मूव ऑन द विरोवेल। फिर द न्यू स्पेस एंड इंडिया लिमिटेड है एक आपका, न्यू स्पेस लिमिटेड इज द बेंगलुरु में है। द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द वेके SLV पोलार लॉन्च व्हीकल PSLV बजट 2019 इसरो मिनी रत्न कंपनी में शामिल हो गया है। देन आदित्य L1, आदित्य L1 की तरह है आपका एक ये वाला, क्या इसको बोलते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप है। वेब टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और एल है पॉइंट है आपका। द ऑर्बिट ऑफ द सन द अर्थ लार्जेंस दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज योर सेकंड पॉइंट जहाँ पे आपका अर्थ है। फोर्थ 3 3rd 2 तो इतने मिलियन ऑफ द फर्स्ट एंड सैटेलाइट स्पेंडिंग दिस इज योर फोर्थ क्लास सैटेलाइट दिस इज अराउंड सन एंड द रिवॉल्डिंग ऑफ द सैटेलाइट योर अर्थ दिस इज एंड द लोएस्ट अफिलियन एंड पेरिलियन 7 पेलोड बोर्डेड एंड द कोरोना कोरोना दिस पार्ट ऑफ द सन आउटर मोस्ट दैट कॉल्ड ऑफ कोरोना इमेजेस ऑफ द सन्स आदित्य L1 कैन बी कैप्चर ऑफ द सन पिक्चर्स एंड देन सेंड टू अदर्स। देन जेम्स वेब भी ऐसे ही कार्य करता है। देन योर हबल टेलीस्कोप ऐसे ही कार्य करता है। वर्जन पॉइंट इज द लैग्रेंजियन पॉइंट ऑफ द होलो ऑफ द ऑर्बिट एंड दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द लैंगर एंड द कॉल्ड ऑफ द हेलो पार्ट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एर्ली द सन्स एंड अराउंड द सरफेस एंड दिस इज एंड योर दिस इज L2 एंड L2 यहाँ आ जाएगा, L4 यहाँ, L5 यहाँ आ जाएगा। तो ये ओरिजिन पॉइंट कॉल्ड ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द टू एस्ट्रोनॉट देन मूव ऑन द सन स्पॉट साइकिल लाइक योर सन स्पॉट साइकिल दिस इज द सम स्पॉट मीन्स इन दिस सन सम धब्बे होंगे स्पॉट सन में। द स्ट्रक्चर ऑफ द सन लाइक योर कोरोना आउटर मोस्ट दैट कॉल्ड कोरोना एंड द कोरोना इन द फोटोस्फीयर एंड द कोर आपका हो जाएगा बिल्कुल इंड वाला द रेडिएशन जोन एंड द एक्टिव जोन आ जाएगा। देन मूव ऑन द अदर सेक्शन सन स्पॉट साइकिल्स क्या है, सन स्पॉट साइकिल्स इट इज़ द साइकिल विद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द सन साइकिल एंड द मैक्सिमम सोलर इन द मिनिमम सोलार। देन मूव ऑन द अदर सेक्शन
एस्ट्रोसैट है, एस्ट्रोसैट ये भी एक सैटेलाइट है। देन मूव ऑन अदर सेक्शन, अदर प्रोपेलन मिशन लाइक एक्सपोसेंट, अंशुक्रयान, गगनयान, चंद्रयान, ये आपके हैवी हैं। देन स्पेस डेब्री, स्पेस डेब्री इज द डेब्री ऑफ द मैक्सिमम, इतने सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो स्पेस में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। तो सम स्पेस एजेंसी कैन बी लॉन्च अ मिशन कैन बी कलेक्ट द डेब्री। फर्स्ट योर जार सिस्टम, जार सिस्टम है एक, क्या करेगा ऐसे जाएगा जार सिस्टम और जो डेबरी होगी लाइक कचड़ा जो होगा वो क्या करेगा कलेक्ट करेगा और अर्थ में लेके जाके समुद्र में छोड़ देगा उसको। समुद्र में लैंड करने की और वहाँ पे भी मैरीन इको सिस्टम को लॉस हो जाएगा। द रिमूवल डेबरी मिशन एंड द सर्फेस ऑफ द सेंटर टू दूनसी इट इज़ द कैप्चर टू द सेट। अब मैंने इसके बारे में सारा बता दिया है। लीडर है हम लोगों का एंड हम लोग भी अपना मिशन लॉन्च कर रहे हैं। USA आल्सो कर चुका है, चाइना। इसको अब बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया, उसको क्या करना है हमें साफ भी तो करना है, क्योंकि हम लोग लॉन्च व्हीकल रोज ही छोड़ रहे हैं पर हमें उसकी सफाई भी बहुत करनी ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन माई साइड। देन मूव ऑन अदर योर साइंटिफिक न्यूज इन रिलेटेड योर करेंट अफेयर एज वेल योर मैगजीन सेक्शन देन आई हैव कवर्ड डन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।